हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मिंग स्ट्रेटजीज टाइटन लीग के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत लोगों को टाउन हॉल 13 जो है बहुत जल्दी मैक्स करना है, और मैक्स करने के लिए जो बेस्ट लीग है यहाँ पे इस वक्त क्लैश ऑफ क्लैन गेम्स में वो है टाइटन लीग। आप कहीं पर भी टाइटन लीग 1, 2, 3 में फार्मिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बहुत सारा लूट मिलता है, अवेलेबल भी है बहुत सारा लूट। और पिछले अपडेट में जो टाइम कम किया है, गार्ड टाइम 1 आवर का ही किया है, उसके वजह से जो बेस है जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं सर्चिंग के टाइम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के अटैक मैंने यूज़ किए हैं फार्मिंग के लिए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अटैक देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला अटैक, ये रहा अटैक। यहाँ पर मुझे मिला था 1 मिलियन लूट। देखते हैं, ये अटैक है क्वीन चार्ज लालून अटैक, और ये क्वीन को अंदर फनल करने की कोशिश, फ्रीज किया इन्फर्नो को, और ये वॉल ब्रेकर, और ये क्वीन आ गई है अंदर, और ये किंग भी टॉप साइड में फनल करते हुए, एक और रेज, और ये वॉल ब्रेकर, किंग भी अंदर आ गया है, क्वीन भी अंदर है, शायद हीलर स्विच हो सकते हैं किंग के ऊपर, और ये गए थोड़े से हीलर्स किंग के ऊपर चले गए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हीलर्स जो है वापस अपने क्वीन के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि क्वीन इन्फर्नो टारगेट कर रहा है, और ये किंग वापस भाग गया है जो कि बहुत अच्छा है, और फनल करते हुए अब थोड़े ही देर में हम लालून से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आ गए बॉटम साइड से लावा, और उसके पीछे सारे के सारे लून्स, और हमारा स्टोन स्लैमर भी। चलिए देखते हैं किस तरीके का अटैक होता है। और ये फ्रीज किया है टाउन हॉल को, वार्डन उनके पीछे, एक और फ्रीज, और रेज और वार्डन एबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हो ये अटैक जो है बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारे लून्स भी बचे हुए हैं। अब बात तो बस क्लीन अप की ही है, 2x स्पीड में देखते हैं इसे। और इस तरीके से हमें मिल गई है 1 मिलियन लूट। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस। हमारे क्लैन के हैरी भाई ने इस पर अटैक किया है, इसे भी 1 मिलियन लूट मिली है। टाइटन लीग में ही है, फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्रैगन स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं, ईड्रैक से फनल करते हुए। इनके पास क्वीन अवेलेबल नहीं है करंटली। चलिए देखते हैं किस तरीके से अटैक किया है इन्होंने। और ये ईड्रैक से फनल किया एक साइड में, बहुत जल्दी सारे के सारे ड्रैगन्स भी यूज़ करेंगे ये। चलिए देखते हैं किस तरीके से अटैक होता है इनका। और ये एक ड्रैगन आ गया लेफ्ट साइड में, स्टोन स्लैमर भी उसके पीछे, और सारे के सारे ड्रैगन सेंटर में, दो रेज यूज़ किए हैं, और ये फ्रीज, एक और फ्रीज, ड्रैगन सीधे सेंटर में जाते हुए, एक और रेज, और एक रेज दोनों साइड में, और ये एक ड्रैगन टाउन हॉल को टारगेट करते हुए वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर ली है, लेकिन शायद ये टाउन हॉल डाउन नहीं होगा, बहुत ही करीबी मामला। और ये ड्रैगन जो है मर गया, टाउन हॉल डाउन नहीं हुआ, तो ये अटैक 3 स्टार नहीं होने वाला है। देखते हैं कितना लूट ले पाते हैं हैरी भाई। और ये बस अब 4x स्पीड में देख रहे हैं हम, बस एक किंग बचा है हमारा, और ये बहुत सारा लूट ले लिया है 1 मिलियन में से, नियरली 8 लाख लूट तो ले लिया है हमने। यस, 8 लाख लूट मिला है। और ये है हमारा नेक्स्ट बेस, इस पर हमने यूज़ किया है क्वीन चार्ज वाली स्ट्रेटजी, वॉल ब्रेक करके हम ईगल को डाउन करने की कोशिश करेंगे इस अटैक में। देखते हैं, और ये वॉल ब्रेक हो गई आई गेस। यस, बार्बेरियन किंग से दूसरे साइड में फनल, और एक और साइड में बेबी ड्रैग से फनल, और इस तरीके से क्वीन जो है अंदर स्टेप इन कर चुकी है ईगल आर्टिलरी के लिए, और एक और रेज शायद यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ओपोनेंट की क्वीन पास है, और ये रेज यूज़ किया है, और ये अटैक इस तरीके से बहुत अच्छे से जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्वीन कितना सारा परसेंटेज ले पाती है क्वीन वॉक में। और ये सेंटर में इसके कुछ ज़्यादा डिफेंसेस नहीं है, इसलिए क्वीन अपना काम बहुत ही इजीली करते हुए सारे के सारा कोर डिस्ट्रॉय कर रही है।
और एक किंग एबिलिटी भी यूज़ कर ली है हमने। और ये टाउन हॉल जो है कंस्ट्रक्शन में था, तो ये तो जैसे बोनस ही मिल गया हमें। और फिर लावा लून से भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं टॉप साइड से। और ये क्वीन अब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए, और ये आ गए हमारे लावा लून। इस टाइम पे मेरे पास वार्डन अवेलेबल नहीं था, अपग्रेड पे था, इसलिए बिना वार्डन के ही अटैक है ये। जैसे कि आप देख रहे हो क्वीन अब तक ज़िंदा है, टॉप साइड से बॉटम तक आ गए और अब तक ज़िंदा है। और एक और फ्री स्पेल भी हमने यूज़ किया है और एक हेस्ट स्पेल। और ये लास्ट फ्रीज जो है वो विजार्ड टावर के ऊपर, और सारे डिफेंस जो है वो हो गया है डाउन। ये है एक और मिल गई हमें लूट 8 लैक्स की। ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस, चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे क्लियर किया है। और इस पर भी लूट जो है वो 7 लैक्स की अवेलेबल है। डार्क एलिक्सर भी है अप्रोक्सीमेटली 8000 तक। और ये अटैक मास हॉक्स से किया है मैंने। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरिएशंस है, कोई भी आर्मी आप यूज़ करो सारे आर्मी से आपको लूट मिल रही है टाइटन लीग में। और ये 2 आइस गोलेम स्टार्ट में यूज़ किए और एक वॉल रेकर उसके पीछे हीरोज भी उसकी के साथ। और ये आइस गोलेम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वॉल रेकर अंदर जाते हुए, किंग उसके पीछे, क्वीन भी उसी के साथ। हमें कुछ भी करके ये टाउन हॉल जो है डाउन करना है ताकि हम हॉक से इजीली 3 स्टार कर पाए इस पर। और ये मेरे वॉल रेकर से आ गए हैं लून्स, रेज कर दिया है। और शायद क्वीन थोड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि क्वीन को क्वीन एबिलिटी यूज़ कर ली है। और ये टाउन हॉल शायद हो जाएगा डाउन आई गेस। और ये टाउन हॉल हो गया है डाउन, और ये सिंगल इन्फर्नो टावर भी हो जाएगा डाउन। ओ नहीं हुआ इन्फर्नो टावर, कोई बात नहीं, हम अपने हॉक्स से अटैक स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे हॉक्स रिलीज कर दिए हैं, उसके पीछे वार्डन और रॉयल चैम्प भी। और ये एक हील स्पेल यूज़ कर लिया है यहाँ पे हमने। अब 2 स्केलेटन स्पेल्स भी है हमारे पास, एक स्केलेटन स्पेल हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे रॉयल चैम्प के एरिया में ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। एक और हील स्पेल यूज़ किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अटैक जा रहा है। अब राइट साइड में एक स्कैटर शॉट है जो कि बहुत डैमेज कर सकता है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारी वार्डन एबिलिटी। जी हाँ, ये रही वार्डन एबिलिटी। और ये आगे एक और हील स्पेल, और ये अटैक बहुत ही अच्छी तरीके से होते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं मास हॉक से भी आप बहुत अच्छी तरीके से लूट गेन कर सकते हैं, और इजी स्ट्रेटजी है। और ये हो गया है एक और ट्रिपल इजीली, और मिल गया है हमें 7 लैक्स का लूट। और ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस, इस पर हमने स्टार्ट किया है क्वीन वॉक से। ये होने वाला है एक येटी स्मैश का वेरिएशन, बेबी ड्रैक से फनल किया है ये लेफ्ट साइड में। और क्वीन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वॉल ब्रेकर का ताकि क्वीन अंदर जा सके। ये अटैक जो है रिसेंटली इज्जू ने अपने चैनल पे फीचर किया था, वही सिमिलर अटैक स्ट्रेटेजी मैंने कॉपी की है। तो ये क्वीन के ऊपर रेज हमने यूज़ किया है ताकि हम बहुत सारा डिफेंस डाउन कर सके। एक फ्री स्पेल भी यूज़ किया है स्कैटर शॉट, बहुत डैमेज कर रहा था मल्टी इन्फर्नो टावर के साथ। और ये क्वीन जो है एक और इन्फर्नो डाउन कर चुकी है, और शायद ईगल को भी टारगेट करेगी क्वीन थोड़ी देर में। और ये बॉटम साइड से किंग भी फनल करते हुए आ रहा था। सारे के सारे येटीज़ यूज़ कर लिए हैं हमने एक जंप स्पेल ताकि सारे येटीज़ अंदर जा सके। और उसी के पीछे सारे बॉलर्स और वार्डन्स भी उसी के पीछे है, और ये रेज स्पेल भी यूज़ होगा। और ये सारे के सारे ट्रूप जो है एकदम सेंटर में जाते हुए, जितने सारे ट्रूप सेंटर में जाएंगे उतना पावरफुल अटैक होता है। एक और रेज यूज़ किया है हमने, और क्वीन बिना हीलर्स के अकेले टॉप साइड में जा रही है। और ये क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ हो गई है, और ये येटीमाइट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए। और वार्डन एबिलिटी और टाउन हॉल के ऊपर फ्रीज भी यूज़ किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रूप्स अभी भी ज़िंदा है। और शायद इसमें हमने हमारी सीज मशीन यूज़ करने का कोई ये ही नहीं है, मतलब बिना सीज मशीन के भी हम इस पर 3 स्टार इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने सीज मशीन यूज़ नहीं किया था इस पर। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे के सारे ट्रूप्स, बहुत सारे ट्रूप्स ज़िंदा है और बहुत स्ट्रांग है, और ये इजीली 3 स्टार हो गया है। और एक बार हमने लूट गेन किया है अप्रॉक्सीमेटली 7 लैक्स की। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर हम यूज़ करने वाले हैं और एक बार क्वीन चार्ज लावालून अटैक। जैसे कि देख रहे हैं आप इसमें है 6 लैक्स की लूट अवेलेबल, और एक क्वीन वॉक हमने बॉटम से स्टार्ट कर दिया है, और एक साइड में बेबी ड्रैक से फनल किया है।
चलिए देखते हैं किस तरीके से ये अटैक होता है सक्सेसफुल। और ये क्वीन जो है अंदर स्टेपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाउन हॉल हमें कुछ भी करके डाउन करना है, क्योंकि इजीली नेक्स्ट जो लावलून है हम इजीली थ्री स्टार कर सके उससे। और जल्दी ही हमें किंग से भी फनलिंग स्टार्ट करनी होगी, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। देखते हैं किस तरीके से होता है ये अटैक। और ये वॉल ब्रेकर जो है वो टॉप साइड के वॉल पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है क्वीन, लेकिन बाहर से ही टारगेट करते हुए टाउन हॉल को। टाउन हॉल जो है वो रेंज में है क्वीन के। और ये लेफ्ट साइड में किंग से फनलिंग भी स्टार्ट कर दी है हमने, और ये टाउन हॉल हो गया है डाउन। तो अब हम लावालून से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए लेकिन परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं, क्वीन थोड़ी अंदर जाके और डैमेज ले ले। और ये क्वीन जो है अंदर स्टेप इन हो चुकी है, और ये किंग जो है वो वॉल ब्रेक कर रहा है। किंग की एबिलिटी भी यूज़ हो गई है, और ये सारे ट्रूप्स बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और ये लावा लून से हमने स्टार्ट किया है टॉप साइड से, दो लावा आ गए हैं उनके पीछे सारे के सारे लून्स। और ये स्टोन स्लैमर भी आ गया है थोड़ा राइट साइड से, और वार्डन उसके पीछे। और देखते हैं, एक फर्स्ट फ्रीज हमने यूज़ कर लिया है, और एक हेस्ट स्पेल बलून्स को फास्ट सेंटर में लाने के लिए, और एक और फ्रीज हमने यूज़ किया है, और एक और हेस्ट स्पेल वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर ली है हमने। अब स्प्लैश डैमेज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, एक स्कैटर शॉट बचा है लेफ्ट साइड में, लेकिन वो जो है वो इजीली डाउन होगा हमारे स्टोन स्लैमर से और रॉयल चैम्प से। और एक और फ्रीज जो बची हुई थी वो हमने यूज़ कर ली है, और ये स्कैटर शॉट भी हो चुका है डाउन। और ये हो गया है एक और इजी थ्री स्टार अटैक, और हमें मिल गया है लूट 6 लैक्स की टाइटन लीग में। तो इसी तरह आप सब भी टाइटन लीग में ही फार्मिंग कीजिए, और जैसा कि आपने देखा कि आप कोई भी आर्मी यूज़ कीजिए, हर एक आर्मी में आपको बहुत सारी लूट मिलेगी। और जो है गार्ड टाइम भी कम किया है, इसलिए बेसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं येटी स्मैश अटैक स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।